तो हेलो गाइस, हमारे ये प्रीव्यू वीडियो देखने के बाद आप लोग ऑलरेडी गेस कर चुके, आप ये गेस कर सकते हो कि ये वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले। तो गाइस, यहाँ पे हम करने वाले M500 एंड डीजल ईगल के वन टैप के हेडशॉट ट्रिक के रिवील, ठीक है। सो हम कैसे मार सकते आफ्टर अपडेट, क्योंकि बिफोर अपडेट के बाद हमारा जो M500 एंड डीजर एगोल है, ये जो हेडशॉट मारने का ट्रिक कुछ अलग था, बट आफ्टर अपडेट के बाद ये थोड़ा हट के चला गया, मतलब थोड़ा डिफरेंस आया है एंड बहुत से बंदे का नहीं लगता है, जो भाई लोग मुझे कमेंट में बोल रहे और भाई लोग बोल रहे कि भाई एक वीडियो बनाओ ताकि हमें थोड़ा समझ आए, तो उसी के ऊपर बेस करके ये वीडियो मैंने बनाया। तो यहाँ पे हम तो और इस वीडियो के अंदर हम रिवील करेंगे कैसे हम क्या करना होगा ताकि हमारा हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड हम इजीली सॉल्व कर सके। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो एंड कोशिश करूँगा कि आप लोग भी ये वीडियो देखकर कुछ सीख पाओ, ठीक है। तो गाइस चलो बिना टाइम के हुए वीडियो को शुरू करते एंड वीडियो के अंदर चलते। तो गाइस M500 एंड M500 है, तो ये दोनों गन है क्लास स्क्वाड एंड कस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंड बहुत पॉपुलर्स यूज़ भी कर सकते, और ये गन का खासियत है वन टैप क्लियर, ठीक है, नाम से जाना जाते। तो गाइस बहुत से बंदे ओपी वाला वन टैप मारते क्लास स्क्वाड एंड कस्टम में, आप में से बहुत बंदे ऑलरेडी देख चुके एंड आप में से कुछ बंदे जो ऑलरेडी मार भी लेते हो बहुत ओपी वाला हेड शॉट वन टैप, ठीक है। बट आफ्टर अपडेट बहुत से बंदे का नहीं लगते, तो भाई क्यों नहीं लगता है, तो ये वीडियो पे देखो आराम से सीख जाओगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वन टैप, थ्री टाइप के सिचुएशंस में हम मारते, एक होता है लॉन्ग रेंज और एक मिड रेंज और सबसे लास्ट में आता है क्लोज रेंज या फिर शॉर्ट रेंज। तो मिड रेंज में आपको मारने के लिए लॉन्ग रेंज वन टैप, आपको सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना वो है क्रॉस एयर, ठीक है। आपको क्रॉस एयर का पोजीशन ऑलवेज आपको रेडमी के लॉक करना होगा, मतलब रेड करना होगा, ठीक है, ना कि वाइड रखना होगा। तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस एयर का पोजीशन आपको रेड करके रखना होगा, और आपको उसके बाद अगर आते ड्राफ के बारे में, तो ड्राफ आपको थोड़ा सा स्लाइड ड्राग करना होगा, नॉट अ हार्ड ड्राग, मतलब 40% ड्राग करना होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा। अगर बहुत ज़्यादा ड्रा करोगे तो भाई आपका गोली कभी नहीं लगेगा एंड ऊपर की तरफ चला जाएगा और आप बन जाओगे एक नंबर के उल्लू। तो आपको ऑलवेज रेड करके रखना होगा, ठीक है, और आपका जो ड्रा का पोजीशन है तो आपको ड्रा करना होगा थोड़ा सा स्लाइड ड्रा, ठीक है। उसके बाद आते हम अगर बात कर लेते सॉरी मिड रेंज की, तो मिड रेंज का आपको ड्रा का पोजीशन, मतलब क्रॉस एयर का पोजीशन और किस टाइप के ड्राग करना होगा। तो भाई सबसे पहले अगर पहले बात कर लेते रेड डॉट या फिर क्रॉस ईयर, तो क्रॉस ईयर आपको ऑलवेज वाइट रखना होगा कभी कभी, और कभी कभी लॉक रखना होगा, ठीक है, मतलब ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर वाइट कर रखोगे तो ज़्यादा वाइट नहीं होगा, ज़्यादा वाइट रहोगे तो बंदे को कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर बात कर लेते हमारे ड्राग किस टाइप के ड्राग, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज रोटेशन ड्राग का यूज़ करना होगा, मतलब ऑलवेज। तो यहाँ पे कुछ क्लिप मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका है, मतलब कर दिया है, तो आप लोग तक इजली समझ जाओ। तो यहाँ पे अगर आप क्लिप की बात करें, तो यहाँ पे ऑलवेज फॉलो करना मेरा पहले रेड डॉट
या फिर क्रॉसहेयर का एम कहाँ था, उसके बाद जब मैं हेडशॉट मार रहा हूँ तो मेरा जो ड्राग का पोजीशन है मतलब किस टाइप के ड्राग का ट्रिक्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने बोला रोटेशन ड्राग, तो देखो भाई मेरा हर एक शॉर्ट रेंज का क्लिप में मैं ऑलवेज रोटेशन ड्राग का ही यूज़ करता हूँ और मेरा क्रॉसहेयर ऑलवेज वाइड ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे करने से मोस्ट ऑफ टाइम आपका ड्राग वन टैप ईजिली लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते क्लोज रेंज या फिर शॉर्ट रेंज, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। आप बंदे लोग इजिली शॉर्ट लॉन्ग रेंज और मिड रेंज में वन टाइम मार लेता है M500 या यार डीजर ईगल से, बट बंदा जब बहुत क्लोज आता है तब उस टाइम बंदे लोग का हवा निकाल जाता है, मतलब वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड बंदे को हेड शॉट नहीं मार पाता। इसका मेन प्रॉब्लम है वो लोग कन्फ्यूज होता है बहुत बंदा कि उस टाइम आपका रेड डॉट या फिर क्रॉस ईयर का एम कहाँ रखना होगा प्लेसमेंट और किस टाइप के ड्राग करना होगा। तो अगर आप हम बात कर करते हैं यहाँ पे क्रॉस ईयर का एम, तो आपको बंदे का ऑलवेज डाउन साइड रखना होगा, मतलब नीचे पैर की तरफ रखना होगा, नीचे की तरफ ऑलवेज, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लास्ट में बात कर ले हम यहाँ पे किस टाइप के ड्राग का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ऑलवेज आपको पहले थोड़ा नीचे लेके आना होगा फायर बटन को नीचे की तरफ, उसके बाद रोटेट करके आप कर देना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो वीडियो क्लिप मैंने ऐड किया यहाँ पे देख सकते हो, इच एंड एवरी टाइम जब मैं शॉर्ट में फायर करता हूँ मतलब वन टाइम मारता हूँ, तो मेरा ड्राग करने का मतलब सिचुएशन किस टाइप के मैं ड्राग का ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंड किस सिचुएशन में मतलब कौन सा ड्राग मैं यूज़ करता हूँ आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैंने बोला जो आप लोग का रेड डॉट का मतलब रेड डॉट या फिर क्रॉस ईयर का एम आपको ऑलवेज वाइट रंगना होगा, ना कि बंदे के बॉडी पे। अगर बंदे के बॉडी पे लगोगे तो वहाँ पे आपका वन टैप कभी नहीं लगेगा, ऑलवेज बॉडी शॉट ही लगेगा। और अगर बात करते उसके बाद हमें ड्राग, तो मैंने जैसे कि बोला नीचे करके आप करना होगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे करके थोड़ा रोटेट करके आप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्लिप पे देख सकते हो मैं ऑलवेज इस ट्रिक को अप्लाई करता हूँ। और अगर बात करते हैं रोटेशन ड्राग किस टाइप स्पीड पे हमें मारना होगा, तो आपको यहाँ पे बहुत तेज़ी से मतलब फास्ट मारना होगा, ठीक है। और एक मतलब छोटा सा टिप्स मैं देना चाहता हूँ गाइस, देखो हर एक पोजीशन में आप ऑलवेज शो मतलब मिनी गन स्विच इनका जो ऑप्शन है गन स्विच उसको यूज़ करो, ताकि तो इससे क्या होगा उससे ही गन स्विच किया करो, तो आपका जो वन टाइम मारने का स्पीड और उसके साथ साथ आपका जो मूवमेंट का स्पीड वो ऑलवेज मेंटेन रख पाओगे, ठीक है। कभी आप मतलब फायर करने बाद खड़े नहीं हो जाओगे, मतलब कुछ बंदे मैंने देखा है कि फायर करने बाद खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो आपको किस टाइम किस सिचुएशन में किस टाइप का ड्राग मारना होगा, आपको लॉन्ग रेंज में क्रॉस एयर को रेड करके रखना होगा और थोड़ा सा स्लाइड ड्राग आप, ठीक है। उसके बाद मिड रेंज में आपको वाइट रखना होगा, ठीक है, क्रॉस एयर को, और आपका जो बार मतलब रोटेशन ड्राग आपको मारना होगा। और सबसे बात अगर क्लोज रेंज में बात करें तो आपको यहाँ पे भी आपका मतलब जो आपका रेड डॉट तो उसको या फिर क्रॉस एयर बोलो तो उसको आप को थोड़ा वाइट रखना होगा, बट नीचे की तरफ एम करके रखना, नीचे की तरफ रखना होगा बंदे का, नीचे मतलब लेग साइड मतलब पैर की तरफ, ठीक है। और अगर ये आपके ड्राग की बात करें तो नीचे करके रोटेट करके आप करना आप कर देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को फॉलो करना होगा। तो ये गाइस और एक बात, अगर आप लोग समझ रहे हो कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ओपी प्लेयर बन जाओगे एकदम प्रो, तो गाइस ये कभी नहीं होगा एंड इम्पॉसिबल। आपको सीखना होगा, आपको स्किल को इम्प्रूव करना होगा और आपको जो प्रैक्टिस करना होगा प्रैक्टिस ग्राउंड में या फिर स्क्वाड एंड कस्टम जहाँ मर्जी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आप एक प्रो प्लेयर या फिर अच्छा प्लेयर बन जाओगे, ठीक है। हाँ बस आपको बोल सकते हैं किस टाइप से और क्या करना होगा आप लोग को, ठीक है, बट आप को खुद को ऊपर मतलब स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और एक गाइस अगर आप इतने देर तक ये वीडियो देख रहे हो, और मुझे पता है कि आप लोग आप में से बहुत बंदे ये वीडियो अभी तक देख रहे हो क्योंकि आप लोग को कुछ सीखना है, तो भाई वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना अपना दोस्त लोग के साथ। और हाँ गाइस, अगर चैनल को अगर अच्छा लगे हमारे चैनल को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ अपना हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ और हमारे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको एनेबल कर दो या फिर सब्सक्राइब करके रखो,
तो हमारा हर एक कंटेंट जो हमारा न्यू न्यू कंटेंट आप लोग तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इन जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको भी ऑल करके सेट कर देना, ठीक है। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के खुश रहना एंड जय हिंद। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।